हाँ ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर है इसका। आगे का शेष पार्ट देखिए जो बचा हुआ है। ए और बी की वैल्यू मैं इसके पहले पार्ट में निकाल चुका हूं, सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा देखिए। पुट बी इक्वल माइनस 1/ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप कहां में पुट कर देंगे, ये देखिए इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है इक्वेशन सेकंड पुट अप करते हैं तो देखिए बी इनटू कैपिटल बी का मतलब इस वैल्यू को रखें माइनस 1/ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो 100% सी इक्वल माइनस का बी अपान आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फाइंड हुआ था 1/ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए बी और ये सी। अब ए बी सी की वैल्यू को क्वेश्चन को लिखेंगे। नाउ ये हमारा क्वेश्चन है, अब इस वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग यहां पुटअप करना है, तो मैंने इक्वल लगाया, इक्वल आपका आ रहा है 1/ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1/ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 1/ हो जाएगा एक्स प्लस बी, ओके डी एक्स प्लस। अब देखिए बी एक्स प्लस सी होता तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू नेगेटिव आपकी है, तो मैं इसे साफ कर रहा हूं, बी की वैल्यू नेगेटिव में है और सी तो आपके सामने लिखा हुआ है, तो देखिए जब इसको यहां रखेंगे बी एक्स प्लस सी है, बी एक्स प्लस सी तो बी जो आपका है बी माइनस का है तो माइनस एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, सी जो आपका है आपके सामने ए बी माइनस का है तो माइनस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स। तो देखिए 1/ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने प्लेस पर है, 1/ एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो गया लॉग एक्स, ओके। अब इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं अलग अलग, तो देखिए क्या हमारा इफेक्ट पड़ेगा, तो माइनस का 1/ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और एक्स अपान आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स और प्लस माइनस का ये भी माइनस, तो मैंने इसको बाहर ले लिया बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड डी एक्स। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसमें इसको टी लेट किया होगा तो 1/2 आएगा, 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/ एक्स का लॉग एक्स। ये कैसे आया समझिए, इसको आपने टी लेट किया था एक्स स्क्वायर का 2x तो 1/2 आ जाएगा, ये लिया मैंने ठीक है 1/ एक्स का लॉग एक्स, अलग टी मान के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस का बी अपान ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है 1/ ए और आपका टेन इनवर्स एक्स अपान ए एंड आपका प्लस बी, ओके ये तो आपका चल ही रहा है 1/ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लॉग आपका हो गया एक्स प्लस बी। तो देखिए समझने वाली बात यहाँ पर है, आप आसानी से देखिए कॉमन भी ले सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ये एग्जैक्टली आपका सॉल्यूशन है। एक लॉन्ग क्वेश्चन था, यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा किया जो है इसके पहले वीडियो में ये बी की वैल्यू निकाली थी, नेक्स्ट वीडियो में सी की वैल्यू निकाल के पूरा सॉल्व किया। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है 30 नंबर, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है 1 cos x आपका है cos x इनटू आपका 1 cos x, तो मैंने ये प्लस था तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 2 टाइम आपका है तो होल स्क्वायर हो गया। अब इस होल स्क्वायर को खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे a प्लस बी और आपका a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया,
ये जो आप 1 देख रहे हैं, इस 1 के प्लेस पे मैंने sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर किया, तो 1 1 आपका 2 हो गया। अब देखिए मैंने स्प्लिट किया, ठीक है ना, sin स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू 2 cos स्क्वायर अपॉन यही नीचे डिनोमिनेटर देख माइनस 2 cos अपॉन इसको कैंसिल करने के बाद ये स्टेप आपका बनना है। अब समझिए sec x का इंटीग्रेशन जो होता है log sec x प्लस आपका tan x, ओके। cosec x का क्या होता है, cosec x देखिए अपने प्लेस, cosec x into cot x, cosec x into cot x क्या होगा, cosec x into cot x अगर आपका है तो माइनस cosec x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, माइनस माइनस तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और स्ट्रांग क्वेश्चन था। चलिए यहां से एक्सरसाइज फिनिश होती है और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अगली एक्सरसाइज टीच करूंगा जो आपकी है 7K, 7K में आपके 27 है और इसके बाद बहुत जल्द आपका इंटीग्रेशन कोशिश करूंगा मैं फिनिश हो जाए, न्यू एक्सरसाइज को उठाया जाए। ये बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है और इसको समझने के लिए इंटीग्रेशन का बेसिक आपको आना चाहिए और बेसिक जब तक आपको कंफर्म नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। तो स्टूडेंट को चाहिए कि एग्जाम बहुत करीब है, हम अक्टूबर के स्टार्ट में आ गए हैं और इंटीग्रेशन से ही आपके मार्क्स घटते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होता है और मेरे हिसाब से बहुत इजी भी होता है अगर ध्यान दें तो। सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट जो बेसिक पार्ट है उसको 10 से 15 मिनट आप मेरे हिसाब से पढ़ ले देखें जिससे आपके माइंड में चीज बनी रहे। दैट्स ऑल, जय हिंद जय भारत।